अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हरीम शाह और इस वक्त जो कि मैं यूके में हूँ। और आज मुझे इतने दिनों से था कि मैं जाके अपना लिप फिलर कराऊँ, और जो है मुझे शौक भी था, इश्तियाक था कि करवाना चाहिए। मैं आज अपना फिलर करवाने गई थी डॉक्टर के पास, जो पीस के स्पेशलिस्ट हैं, और मैं स्ट्रेचर पे लेटी और अभी वन साइड उन्होंने फिलर डाला ही था कि मेरे सेलफोन पे कॉल वसूल हुई, और उस कॉल के तवसत से मुझे ये पता चला कि FIA ने जो है तो आपके अकाउंट जो है मुंजमद करने का हुक्म दे दिया, और आपके अकाउंट फ्रीज करने की जो है तो खतूत लिख लिए हैं कुछ बैंक को। तो मैं काफ़ी मलाल में, रंज में एकदम से उठ गई, और मुझे याद ही नहीं रहा। याद तो खैर था, मैंने कहा इतना महंगाई का दौर है, जो फिलर के दूसरे साइड पे भी डलवाऊँ और उसके मैं पैसे दूँ तो अकाउंट तो मेरे फ्रीज हो जाएंगे, और फिर उसमें से, या फ्रीज हो गए होंगे, उसमें से मैं पैसा भी नहीं निकाल सकूंगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, ये जो दूसरी साइड के फिलर के पैसे हैं, इनको बचा के तो कुछ थोड़े बहुत यूके के अंदर अपनी जेब खर्ची शर्ची करूंगी, क्योंकि ये ना मैं यहाँ पे भूखी मर जाऊँ और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी ना हो। तो फिर जो है तो मैंने कहा चलें वन साइड फिलर के साथ गुजारा करते हैं, और जैसे ही मुझे कोई और सूरत हाल नजर आई, या FIA को मुझ पर तरस आ गया, रहम आ गया, तो फिर मैं इंशाल्लाह दूसरी साइड भी फिलर डलवा लूंगी। नहीं तो मैं FIA से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें आपकी वजह से मेरे साथ ये हो गया। सो इस हालत में मैं कैसी लग रही हूँ? सो आप